एवरीवन, मैं मानसी एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवा होम पे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ 3 BHK का फ्लैट, वो भी पूरे रॉयल लुक में बना हुआ है, इंटीरियर डिजाइन किया हुआ है और 90 गज में बना हुआ है। स्पेशियस फ्लैट है ये। कनेक्टिविटी की बात करूँ तो सिर्फ 700 से 800 मीटर की दूरी पे आपका उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन है। नियर बाय आपको आरएस मार्केट मिल रहा है। आई नो कि आपको नहीं पता कि मार्केट कितना बड़ा है, बट अगर आप सर्च करेंगे तो ये मार्केट बहुत ही बड़ा है। और अगर फैसिलिटी की बात करूँ तो पार्किंग की आपको लिफ्ट की फैसिलिटी मिल रही है। ईजिली हम आपको लोन तो प्रोवाइड करवा के ही देंगे, तो देरी किस बात की। अगर आप भी ढूंढ रहे हैं सपनों के महल को और किराए के मकान से अपने घर में आना, तो देरी ना करें, नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल करें, पूरी वीडियो देखें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूले। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ ये 3 BHK का जो रॉयल लुक में बना हुआ है फ्लैट वो। तो आ गए हम अपने 3 BHK के फ्लैट में। पहले मैं आपको बाहर का व्यू दिखाऊंगी कि ये हमारा स्टेयर एरिया है एंड ये लिफ्ट एरिया। एंट्री करते हैं हम अपने फ्लैट की ओर। हमने यहाँ पर वुडन का गेट लगाया हुआ है जो हल्का क्वालिटी का नहीं है। और स्पेस दिखाऊंगी मैं एंट्री करने के बाद कि कितना स्पेस है, इसलिए मैं घूम रही हूँ कि आपको स्पेस दिख सके कि कितना स्पेस है। यहाँ अगर आप सोफा भी डालेंगे तो भी बहुत स्पेस रहने वाला है। 3 BHK का फ्लैट है, 90 गज में मिल रहा है, कोई इजी बात थोड़ी है दिल्ली जैसे शहर में। यहाँ वर्क देखिए आप कि वुडन का वर्क किया हुआ है, वो भी हमने बहुत बढ़िया वर्क किया हुआ है। मिरर लगाया है साइडों में और आपको एसी के लिए भी स्पेस दिया हुआ है, स्प्लिट एसी लग सकता है, आइए और एसी लगा सकते हैं। कोई फिटिंग तोड़फोड़ कुछ नहीं करवानी है आपको। टैले देखेंगे आप नीचे कि कितनी शाइन कर रही है लाइटिंग्स की इसकी टैले। ऊपर की फॉल सीलिंग वर्क देखिए कितनी प्यारी लग रही है, पीओपी करवाई हुई है एंड आपको झूमर भी लगाया हुआ है जो हॉल में शाइन कर रहा है। टीवी पैनल के लिए भी आपको स्पेस दिया हुआ है यहाँ पर कि आपको इजिली टीवी स्टोर हो सके। ठीक है, डेकोरेशन के लिए आपको पार्टीशन दिया हुआ है कि आप डेकोरेटेड आइटम्स रख सकते हैं यहाँ पर। और आपको यहाँ पर ड्रॉर्स भी दिए हुए हैं, इसमें भी आपको स्पेस दिखाऊंगी कि कितना स्पेस है, कोई भी सामान आप इजिली रख सकते हैं यहाँ पर। चलिए अब पहले मैं आपको दिखाती हूँ किचन। हम आ गए हैं अपने किचन की ओर। किचन में देखिए एंट्री करते हुए कितना स्पेस है यहाँ पर। डांस तो नहीं करोगे बट स्पेस बहुत है यहाँ पर कि आराम से लेडीजें खाना बना सकती है, म्यूजिक का मजा ले सकती है साथ में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाइट कलर की आपकी स्लैब है जो कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। सिंक दी है आपको, नॉइस फ्री सिंक दी है। कई बार गेस्ट आ जाते हैं तो आवाज आती है बर्तनों में पानी की, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई आवाज नहीं आने वाली है। स्पेस देखेंगे, स्पेस आपको नीचे भी दिया हुआ है ड्रॉर्स का और ऊपर भी दिया हुआ है कि किचन के सामान बहुत होते हैं, ये हम लेडीज ही समझ सकती हैं, तो आराम से यहाँ पर आपके सामान आ जाएंगे। अब मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर आपको पैंट्री भी दी हुई है सामान रखने के लिए अलग से, देखिए कितनी बड़ी है ये। और स्पेस की बात की है तो फ्रिज के लिए भी तो आपको स्पेस दिया हुआ है यहाँ पर। देखिए फ्रिज के लिए भी आपको अलग रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर इजिली फ्रिज रख सकते हैं। ऊपर की फॉल सीलिंग वर्क देखिए, किचन में लाइटिंग देखिए कि कितनी है लाइटिंग। कई बार अंधेरा होता है तो अच्छा नहीं लगता, खाना बनाते हैं हम कुछ हमें दिख नहीं रहा, आपको यहाँ लाइटिंग भी बहुत दी हुई है। अब हम इससे बात करते हुए फर्स्ट बेडरूम में आ गए हैं। देखिए फर्स्ट बेडरूम का स्पेस कितना बड़ा स्पेस है, अगर आप बेड भी डाल लेंगे ना तो भी बहुत स्पेस रहने वाला है। और आपको स्पेस की बात की है तो अलमीरा का होना भी जरूरी है, आपको यहाँ अलमीरा दी हुई है। अलमीरा में भी देखिए कितना स्पेस है, इजिली आपके कपड़े भी यहाँ पर आ जाएंगे, ड्रेसेस वगैरह आप रख सकते हो। ऊपर की आपको फॉल सीलिंग वर्क दिखाऊंगी, कितनी ब्यूटीफुल सी फॉल सीलिंग वर्क की हुई है। लाइटिंग्स देखेंगे, येलो कलर की लाइटिंग चारों तरफ से शाइन कर रही है और पीओपी भी ऊपर की हुई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ टीवी पैनल के लिए।
आपको टीवी पैनल के लिए स्पेस दिया हुआ है कि आप इजिली टीवी स्टोर कर सकते हैं। ड्रॉर्स दिए हुए हैं, हर एक रूम में आपको ड्रॉर्स देंगे, ड्रॉर्स दिए हुए हैं। फुल्ली वेंटिलेटेड है आपका ये हाउस, जैसे मैंने कहा इंटीरियर डिजाइन किया हुआ है, फुल्ली वेंटिलेटेड है। तो यहाँ पर साइड में दिखाऊंगी कि आपको विंडो के लिए स्पेस दिया हुआ है एंड विंडो एसी के लिए भी स्पेस दिया हुआ है। अब बात करते हुए हम देखिए बालकनी में आ गया, आपको अटैच बालकनी दी जा रही है। यहाँ पर बालकनी में स्पेस देखिए, आप चाय का मजा भी ले सकते हैं इवनिंग में यहाँ पर, और ग्रिल्स लगी हुई है। कई बार छोटे बच्चे होते हैं बाहर झांकते हैं, तो देखो सेफ्टी के लिए हमने यहाँ ग्लास लगाया हुआ है, ग्रिल्स लगाई हुई है। वॉशिंग मशीन आप इजिली वॉश कर सकते हैं कपड़े लगाकर। अब हम चलते हैं अपने आगे सेकंड बेडरूम में। सेकंड बेडरूम में देखिए कितना स्पेस है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए आपको पीओपी का भी वर्क किया हुआ, और यहाँ लाइटिंग्स लगी हुई है अंदर। ऊपर क्या फॉल सीलिंग वर्क देखेंगे, कितनी ब्यूटीफुल सी फॉल सीलिंग वर्क लग है, ब्यूटीफुल सी फॉल सीलिंग है। और स्पेस तो यहाँ पर आपको अलमीरा तो दिया ही हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कितना स्पेस है। लेकिन साइड में देखिए कि यहाँ पर आपको मिरर दिया हुआ है ड्रेसिंग टेबल के लिए, कि यहाँ पर आप अपना तैयार भी हो सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसमें स्पेस कितना है, टू साइडेड है, स्पेस देखिए कि कितना स्पेस देख लिया आपने अलमीरा में। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारा जो रहेगा मास्टर बेडरूम रहता है, लेकिन उससे पहले मैं दिखा दूं कि साइड में आपको टीवी पैनल के लिए भी स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पर आपका वुडन का वर्क किया हुआ है, आप कुछ भी सामान भी रख सकते हैं अपने। यहाँ पर पार्टीशन भी दिया हुआ है, इसमें भी लाइटिंग्स की हुई दी हुई है, ताकि आपको रात में भी अगर आप ऑन करके भी छोड़ते हैं तो दिख सके सामान। विंडो के लिए स्पेस दिया हुआ है, विंडो एसी लगा सकते हैं यहाँ पर, विंडो के लिए है स्पेस। फुल्ली वेंटिलेटेड है तो विंडो का होना भी तो जरूरी है। आपको वॉशरूम दिया हुआ है, टाइलें लगी हुई है, एंड टू एंड सैनिटरी पिटी हम आपको करवा के दे रहे हैं। और एक चीज आपने नोटिस की होगी कि टाइलों पे भी किस तरह से लाइटिंग शाइन कर रही है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम की ओर, लेकिन उससे पहले मैं आपको कॉमन वॉशरूम दिखा दूं। ये हमारा कॉमन वॉशरूम रहेगा एंड इसमें भी टैली एंड टू एंड लगी हुई है, शाफ लगी हुई है, सैनिटरी फिटिंग हम आपको करवा के दे रहे हैं और इसकी टैली भी शाइन कर रही है। अब चलते हैं हम अपने थर्ड बेडरूम में। करते करते हम आ गए अपने थर्ड बेडरूम में, इसे आप अपना गेस्ट रूम भी बना सकते हैं। देख रहे हैं कि आप कितना स्पेस है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि कुछ भी नहीं किया हुआ, बट ग्रे कलर का ये वॉलपेपर नहीं है, प्रिंट किया हुआ है, शाइनिंग वाला प्रिंट है। अगर आप आएंगे फ्लैट देखेंगे तो आपको खुद दिखेगा। यहाँ पर पीओपी का वर्क किया हुआ है, वो भी ऐसा है कि उतरेगा नहीं। देखिए एक कवर दी हुई है आपको यहाँ पर, वो भी फुल्ली स्पेस के साथ। स्पेस दिखाऊंगी मैं अभिषेक जी को, कहूंगी कि क्लोज आए और थोड़ा सा स्पेस दिखाएं सबको। और वैसे जैसे मैंने बताया कि फुल्ली वेंटिलेटेड है तो शाफ्ट भी होना जरूरी है, रूम में शाफ्ट दिया गया है आपको। एसी के लिए स्पेस दिया हुआ है, स्प्लिट एसी के लिए। ऊपर की फॉल सीलिंग वर्क देखेंगे, लाइटिंग्स देखेंगे कि कितनी शाइन कर रही है, कितनी अच्छी लग रही है। जैसा मैंने आपको कहा, रॉयल लुक में इंटीरियर डिजाइन किया हुआ ये 3BHK का फ्लैट है, स्पेशियस फ्लैट है। कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं नहीं ले पाऊंगी, लेकिन आप तो सोच रहे हैं ना नया फ्लैट लेने का। देरी ना करें, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें और इस फ्लैट को बना लें अपना, इससे पहले कि देर हो जाए। चलिए अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।